करंटली अपने मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर अच्छे खासे बंडल आपको क्लेम करने को नहीं मिलते, तो इसलिए अपने मैजिक क्यूब को भाई सेव करके रख लीजिए, क्योंकि अपना मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट होने वाला है जिसके अंदर काफी खतरनाक बंडल ऐड हो गए। अब तक के सबसे खतरनाक और बिगेस्ट अपडेट फ्री फायर ने गाइस कोलैब कर लिया है अपने नारुतो के साथ, जो की इवेंट ऑफिशियली कन्फर्म है। साथ में कुछ और भी अपकमिंग इवेंट्स और अपडेट निकल के आ चुके हैं, लाइक गाइस अपना गोल्डन शेड बंडल और आप सभी का फेवरेट लोन इमोट रिटर्न आने वाला है, और गिफ्ट स्टोर 15 ऑफ को लेकर एक मस्त सी अपडेट मिल जाएगी, और अपडेट मिल जाएगी बनी बंडल इवेंट को लेकर। तो सबसे पहले मेरा ताऊजी भाई, यार जो भी लोग गाइस नारुतो एनिमे देखते हैं गाइस, उनके लिए अब तक के सबसे बिगेस्ट और खतरनाक अपडेट निकल के आ गई है। यस गाइस, फ्री फायर के गर्रा के मालिक का चावली ने भाई कोलैब कर लिया गाइस नारुतो के साथ, जिसका गाइस यहाँ पे कुछ ठीक है कुछ सर्वर के अंदर इसका गाइस साइड बैनर निकल के आ गया है। बाहर के गाइस कुछ सर्वर के अंदर गाइस इनका बैनर वगैरह गेम के अंदर एड कर दिया है, हालांकि जो साइड का टेक्स्ट वगैरह होते हैं वो एड कर दिया गया है, लेकिन इसका बैनर एड नहीं हुआ। लेकिन भाई इवेंट ऑफिशियली कन्फर्म है। सबसे पहले गाइस आप लोग नारुतो का ठीक है भाई ये वाला फोटो देखो, और इसके हाथ में गाइस देखो आपको एक डेजर नजर आएगी, और आपको पता होगा वीकली शेड्यूल निकल के आ चुका है, और भाई कल ही अपने को ये वाले डेजर की स्किन फ्री क्लेम करने को मिलने वाली है। टोटली गाइस इवेंट ऑफिशियली कन्फर्म है। जल्द गाइस अपना जो गाइस नारुतो का कोलैब है गाइस वो अपने इंडिया के अंदर और बाहर के सभी सर्वर के अंदर स्टार्ट होने वाला है। और गाइस कुछ डाटा मेंटर का कहना ये है जो अपना गाइस नारुतो का कोलैब है ठीक है भाई, वो 7th एनिवर्सरी स्पेशल रहेगा और जल्द हमारे इंडिया के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। अब गाइस इस वाले कोलैब को लेकर आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आया होगा कि यार आखिर इसको लेकर इवेंट्स वगैरह क्या आएगा और क्या इसका कोई कैरेक्टर वगैरह आएगा, तो वेल गाइस कुछ ऐसा नहीं होने वाला। नारुतो का गाइस हमारे गेम के अंदर भी ठीक है भाई कोई भी कैरेक्टर वगैरह नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता होगा ठीक है भाई ऑलरेडी भाई एक दो कैरेक्टर पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तो भाई इसको लेकर हमारे गेम के अंदर बंडल वगैरह आएंगे और आएंगे कुछ गुड़ की स्किन और गन स्किन वगैरह। अगर भाई कोई नारुतो का फैन है ठीक है तो भाई कमेंट के अंदर आप मुझे बताना, और यार इतनी मस्त सी गुड न्यूज देने के लिए भाई इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है मेरी जान। वीडियो के अंदर आगे बढ़े और बात करें कुछ अपने अपकमिंग इवेंट्स की, तो भाई यहाँ देखो भाई 7th एनिवर्सरी इवेंट स्पेशल ही भाई कुछ सर्वर के अंदर हमें जो अपना गोल्डन शेड बंडल है वो देखने को मिला है। स्कॉर्चिंग सील बंडल यानी गाइस अपना जो नया गोल्डन शेड बंडल है गाइस, इसका इवेंट तो हमारी इंडिया के अंदर आ चुका है, लेकिन बचा है अपना गोल्डन शेड बंडल पेन तो मस्त मोर है और नेवी शेड बंडल। हमारे इंडिया के अंदर गाइस इस टाइप का रिंग इवेंट आएगा, लेकिन इसके अंदर का जो स्कॉर्चिंग सील बंडल है आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा पेन तो मस्त मोर है नेवी शेड बंडल और अपना गोल्डन शेड बंडल और इसके फीमेल बंडल है। अगर बात करी इवेंट के तो ये इसका गाइस हमें इवेंट अपने अगस्त महीने के अंदर देखने को मिलने वाला है। देखो भाई इसी महीने आ जाता, लेकिन भाई एनिवर्सरी इवेंट और भाई अब तो गाइस नारुतो का जो कोलैब इवेंट है वो भी चलेगा और चलेगा सुपर हीरो इवेंट हमारे भाई नेक्स्ट महीने के अंदर ठीक है, अगस्त महीने के अंदर इस वाले इवेंट को लेकर अपने को अपडेट वगैरह मिल जाएगी और गाइस इसका रिंग इवेंट वगैरह आ जाएगा। बाकी आने वाले वक्त के अंदर मैं तुम्हें इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन वगैरह देता रहूंगा। अगर गाइस आप लोग क्लैश कोड वगैरह खेलते हो तो आपको पता होगा गाइस अभी अपने गेम के अंदर CS रैंक सीजन भाई 25 चल रहा है, जो कि आने वाले 1 अगस्त को खत्म हो गया भाई। CS रैंक सीजन भाई 26 स्टार्ट हो जाएगा। अगर बात करें कि भाई नेक्स्ट CS रैंक सीजन के अंदर से अपने को कौन से फ्री के रिवॉर्ड्स क्लेम करने को मिलेंगे, आने वाले गाइस 1 अगस्त को स्टार्ट होने वाले गाइस इस वाले न्यू CS रैंक सीजन के अंदर आपको सबसे पहले गाइस आपको मिलेगा एक मस्त सा हीरोइक वाला टी शर्ट, जो की आप लोग देख लो। इसके बाद आपको क्लेम करने को मिल जाएगी एक मस्त सी पैराशूट की स्किन, और गाइस यहाँ पे आपको क्लेम करने को मिलेगी गाइस एक मस्त सी ग्लू वॉल की स्किन, जो कि गाइस हालांकि आपको परमानेंट तो नहीं मिलेगी, कुछ टाइम के लिए मिलेगी, लेकिन स्टिल काफी मस्त है। हर रैंक सीजन के अंदर से गाइस अपने को जोला भर भर के अवतार बैनर क्लेम करने को मिल जाते हैं, तो भाई इसके अंदर भी आपको अवतार बैनर भाई जोला भर भर के फ्री क्लेम करने को मिलेगी। और ये जो गाइस आपको रैंक के थीम पे रिवॉर्ड देखने को मिल रहे हैं, इसकी गाइस थीम रहेगी भाई अपने नेक्स्ट अगस्त मंथ का जो बुया पास है उसकी, यानी गाइस अगस्त मंथ का जो बुया पास है ठीक है गाइस, इसके थीम पे आपको नेक्स्ट रैंक रिवॉर्ड देखने को मिलेगी। जून और गाइस जुलाई महीना आपको पता होगा अपना रैंपेज इवेंट का महीना होता है, लेकिन भाई यहाँ पे सबसे बड़ी गाइस दुख की बात यह है कि अब से अपने गेम के अंदर रैंपेज इवेंट का कोई इवेंट नहीं आने वाला। लेकिन आखिर उसका क्या होगा, आई मीन गाइस अपना रैंपेज ईवेंट बंडल का क्या, वो अब अपने गेम के अंदर नहीं आएगा, तो वेल गाइस कुछ ऐसा नहीं होने वाला। आप सभी का फेवरेट जो अपना रैंपेज बंडल है उसका इवेंट आएगा। अगर गाइस बात करें कि अपना जो रैंपेज का ईवेंट बंडल का इवेंट है हमारे इंडिया के अंदर कब आएगा, तो भाई यार इसका इवेंट आने वाला है, लेकिन इतना डिले आएगा कि भाई हो सकता है कि भाई तब तक तो आपको
भाई ठीक है गेम को क्वाइट भी कर दो। हमारा जो गाइस अपना ठीक है भाई रैम्पेज का ईयूएफओ बंडल है गाइस आपको दिसंबर महीने के एंड में देखने को मिलने वाला है। यस गाइस 2024 का दिसंबर महीने के एंड में आपको रैम्पेज बंडल देखने को मिलने वाला है। इस वाले इवेंट को मैंने इसलिए कवर किया क्योंकि भाई लास्ट वीडियो के अंदर काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि जो रैम्पेज का ईयूएफओ बंडल है इसका इवेंट कब आएगा, तो अभी के लिए बस यही अपडेट है। यार नॉर्मल सी बात है, अभी अपने गेम के अंदर स्कॉर्पियो बंडल और अपना कोबरा बंडल पेंडिंग में पड़ा हुआ है ठीक है। तो भाई इनका इवेंट जब ठीक है भाई आते आते तो भाई अपना दिसंबर महीना आ जाएगा और तब जाके अपने को रैम्पेज का बंडल देखने को मिलेगा। लेकिन वेल गाइस अगर भाई गरना के मालिक का चावले का ठीक है भाई जो खोपड़ा ठीक है आई मीन उसका दिमाग गाइस सटक जाता है ठीक है इवेंट वगैरह अचानक से कंफर्म होता है तो मैं आपको आने वाले वक्त के अंदर भी इसके बारे में बताता रहूंगा। हमें गाइस जिस इवेंट की वजह से भाई गेम खेलने में मजा आता था और गाइस गेम के अंदर डायमंड का स्पेंड करने का मजा आता था वही इवेंट भाई गरना का मालिक का चावले गेम के अंदर से गायब कर रहा है। बात करते हैं भाई अपने गिफ्ट स्टेट 15 ऑफ को लेकर तो भाई अपना एनिवर्सरी इवेंट अभी चल रहा है ठीक है और भाई इससे खतरनाक इवेंट हमारे इंडिया के अंदर गाइस क्या ही हो सकता है। अगर आप लोग बात करें गिफ्ट स्टेट 15 ऑफ को लेकर तो गाइस अभी इसका कोई ऑफिशियली सोर्स नहीं है जिससे गाइस मैं आपको दिखा के ये कंफर्म कर सकूं कि हाँ ये आएगा। लेकिन जैसा कि अभी मैंने गाइस आपको वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर बताया कि भाई गरना का मालिक का चाव ने एनिवर्सरी स्पेशल गाइस नारुतो के साथ कोलैब वगैरह कर रहा है तो भाई क्या पता नारुतो इवेंट के अंदर अपने को जो गिफ्ट स्टेट 15 ऑफ है गाइस इसको लेकर इवेंट देखने को मिल जाए। टोटली गाइस आने वाले गाइस 20 जुलाई तक वेट कर रहे हो हमारे गेम के अंदर गिफ्ट स्टेट के अंदर 15 ऑफ आने वाला होगा तो अपने को इसको लेकर अपडेट वगैरह मिल जाएगी। अब अपन लोग बात करते हैं गाइस ऐसे एक इनक्यूबेटर गन स्किन इवेंट के बारे में जिसका काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं और वो है गाइस अपनी रैम्पेज इवेंट के M10 की गन स्किन का इनक्यूबेटर जिससे भाई काफी सारे लोग एपोकैलिप्टिक का भाई क्या बोल रहा हूँ भाई कते खतरनाक नाम है ठीक है। बाकी जो भी गाइस आप लोग समझ गए हो गए एपोकैलिप्टिकली गाइस M10 की गन स्किन का इनक्यूबेटर गाइस जल्द अपने इंडिया के अंदर आ जाना चाहिए था गाइस अपने एनिवर्सरी इवेंट स्पेशल लेकिन गाइस कुछ रीजन की वजह से इस इवेंट को थोड़ा सा डिले किया गया है। अगर गाइस आप ऐसे कोई पूछो अपने रैम्पेज M10 की गन स्किन का इनक्यूबेटर का भाई रिंग इवेंट है इसका आने का वेट कर रहे हो तो अब गाइस आपको आने वाले 5 अगस्त तक हमारे गेम के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी। अब मैं आप सभी को एक ऐसे इवेंट के बारे में बताना चाहूंगा जिसकी भाई डिमांड पब्लिक ने काफी सारी करी है और लास्ट वीडियो के अंदर काफी सारी कमेंट्स वगैरह भी है लेकिन ये इवेंट हमारे गेम में नहीं आने वाला और वो इवेंट है गाइस अपने मेंबरशिप के अंदर डिस्काउंट इवेंट। तो गाइस अगर आप लोग भाई इनमें से किसी ऐसा ठीक है भाई मेंबरशिप डिस्काउंट इवेंट आने का वेट कर रहे हो तो भाई कान खोल के सुन लो भाई इसका कोई इवेंट हमारे गेम में नहीं आने वाला। मुझे गाइस पता है ठीक है भाई कुछ फालतू के यूट्यूबर्स गाइस आपको बताते हैं कि भाई मेंबरशिप के अंदर डिस्काउंट आएगा एनिवर्सरी स्पेशल लेकिन वेल गाइस ऐसा कोई भी इवेंट नहीं आने वाला। काफी सारे लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे तो मैंने इसका आंसर आपको दे दिया। आइए वीडियो के अंदर आगे बढ़े और बात करें अपने कुछ अपकमिंग इवेंट्स की तो आपको पता होगा गाइस आज ही अपने गेम के अंदर हमें एक इमोट को लेकर एक रोल देखने को मिला है। टोटली इसी महीने हमारे गेम के अंदर इमोट को लेकर गाइस एक अच्छा खासा इवेंट आ चुका है। अगर गाइस अच्छा खासा आपको और भी न्यू इमोट का आपको चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ का और गाइस नेक्स्ट मंथ के अंदर ही गाइस अपने लोले इमोट को लेकर एक मस्त सी अपडेट निकल के आ रही है भाई। अपने गेम के अंदर जो अपना लोले इमोट है गाइस इसको लेकर गाइस एक रोल आएगा नहीं तो आएगा अपना इमोट पार्टी। लेकिन गाइस अपने नेक्स्ट मंथ 11 अगस्त को हमें गाइस इमोट को लेकर एक मस्त सा इवेंट देखने को मिलने वाला है जिसके अंदर गाइस आपको हमारा लोलो इमोट देखने को मिल जाएगा जिसका काफी ज्यादा हाई चांस है। अभी भी गाइस हमारे गेम के अंदर अपडेट के बाद ऐड हुए गाइस कुछ फ्रीजी इमोट्स वगैरह ठीक है पेंडिंग में पड़े हुए हैं जिसको लेकर गाइस इवेंट हमारे नेक्स्ट महीने के अंदर आने वाला है और काफी ज्यादा हाई चांस है कि उसी इवेंट के अंदर आपको लोलो इमोट भी देखने को मिल जाएगा। बाकी अभी के लिए गाइस हमारा जो लोलो इमोट है गाइस इसको लेकर मुझे कुछ इस तरह से अंदर से लीक्स वगैरह मिले थे मैंने आप सभी को बता दिया। गाइस आप लोग नेक्स्ट मंथ का वेट करिएगा इस मंथ के तरह नेक्स्ट मंथ में हमारे गेम के अंदर गाइस इमोट को लेकर इवेंट आएगा और उसके अंदर आपका पॉसिबल है कि लोल इमोट भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास डायमंड नहीं है तो आप यूज कर सकते हो डायमंड खरीदो ऐप का क्योंकि यहाँ पे गाइस आप लोग सस्ते में वीकली मंथली परचेस कर सकते हो और साथ में गाइस आपको सस्ते में इमो गन के टोकन भी क्लेम करने को मिल जाते हैं तो आपको ट्राई करना है। लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इस ऐप के दे दूंगा, एक बार ट्राई जरूर करें। बात करते हैं अपनी पोकर MP40 गन स्किन इनक्यूबेटर इवेंट के बारे में तो भाई यार क्या बोलूं भाई यार इस इनक्यूबेटर की जो भाई गन स्किन है कते मस्त है और भाई कते खतरनाक है और इस इनक्यूबेटर की गन स्किन के अंदर एक गन स्किन मेरे पास है। आज से बहुत टाइम पहले आपको पता होगा जो भाई पोकर MP40 गन स्किन का रिंग इवेंट है हमारे इंडिया के अंदर ऑलरेडी आ चुका है लेकिन भाई वापस इस इवेंट की डिमांड जो है ना वो बढ़ गई है। बाहर के गाइस कुछ सर्वर के अंदर आने वाले गाइस 13 जुलाई को ही गाइस एनिवर्सरी स्पेशल गाइस इसका रिंग इवेंट आने वाला है लेकिन हमारे एनिवर्सरी इवेंट के अंदर इस तरह का कोई इवेंट देखने को नहीं मिलेगा। आने वाले गाइस 15 अगस्त तक हमारे गेम के अंदर हमें अब जाके गाइस इसको लेकर रिंग इवेंट देखने को मिलेगा।
मिलेगा, जिसके अंदर गाइस आपको जो पोकर MP40 गन स्किन के सभी गन स्किन है वो देखने को मिलेगी। लेकिन गाइस एक बात को याद रखना, ठीक है भाई, इसके अंदर जो ठीक है अपने टॉप वाली पोकर MP40 गन स्किन है भाई, आपको टोकन में एक्सचेंज करने को नहीं मिलेगी, आपको इसे भाई डाटा स्पिन करके निकालना पड़ेगा। अगर गाइस आपके पास ठीक है भाई पोकर MP40 गन स्किन के रिंग इवेंट के अंदर से कोई भी एक गन स्किन आपके पास है तो मेरे को कमेंट के अंदर बताना। मेरे पास गए मेरे ख्याल से भाई ठीक है वो कुछ ग्रीन वाली मेरे पास MP40 की स्किन है। अब ये जो गाइस मैं आप सभी को अपडेट देने वाला हूँ, ये आप सभी का फेवरेट भाई कते मस्त इवेंट है, क्योंकि भाई मैक्सिमम सभी लोग इसी इवेंट आने का वेट करते हैं। और गाइस वो इवेंट है भाई अपना बनी बंडल का इवेंट है, जिसके बारे में भाई काफी सारे लोग मुझे हर वीडियो के अंदर पूछते हैं। अब भाई इसको लेकर वापस से एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है कि इसका इवेंट गाइस नेक्स्ट 30 दिनों के अंदर आ जाएगा। यानी गाइस मोटी मोटी सी बात यही कि भाई इसको लेकर जल्द हमारे गेम के अंदर गाइस अगस्त महीने के स्टार्टिंग में इसका इवेंट वगैरह आ जाएगा। और मैं तुम सभी को गाइस ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई इस अपडेट के अंदर भाई बहुत ही कम नए रिवॉर्ड को एड किए, ठीक है भाई, जिसकी वजह से भाई इवेंट के जो रिवॉर्ड वगैरह है वो खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए भाई गरना के मालिक चावली को भाई ना चाहते हुए भी गाइस इसका इवेंट हमारे इंडिया के अंदर लाना पड़ेगा। टोटली गाइस आप लोग 10 अगस्त तक वेट कर लो, इसको लेकर इवेंट देखने को मिल जाएगा। आइए अब आप लोग बात करते हैं अपने मैजिक क्यूब स्टूडियो अपडेट के बारे में। तो भाई सबसे पहले गाइस आप लोग ये देख लो कि इस बार के मैजिक क्यूब स्टूडियो अपडेट के अंदर कौन से बंडल ऐड हो गए। अभी जो मैं तुम्हें बंडल दिखाने वाला हूं गाइस, इसके अंदर से 50% लेकर 60% के जो बंडल्स वगैरह हो गए वो अपने नेक्स्ट मैजिक क्यूब बंडल के अंदर ऐड हो गए। यानी गाइस आधे से ज्यादा बंडल ऐड हो गए। सबसे पहले गाइस मैंने बंडल को इंक्लूड किया है, वो है गाइस अपना बंडित बंडल। हालांकि इसका कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन वाला सोर्स नहीं है, लेकिन भाई स्टिल काफी टाइम से पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो भाई इसलिए बहुत ही ज्यादा हाई चांस है कि भाई आपको नेक्स्ट मैजिक क्यूब स्टूडियो के अंदर गाइस ये वाला बंडल देखने को मिल जाए। वेनम बंडल जो कि गाइस अपने एक ओल्ड टिके भाई मैजिक क्यूब का बंडल है, और आपको पता होगा भाई ओल्ड मैजिक क्यूब के बंडल भाई गरना का मालिक चावली वापस लाके देता है, तो वापस से गाइस आपको नेक्स्ट मैजिक क्यूब के अंदर ये वाला बंडल देखने को मिलने वाला है। ओनी गाइस साउल स्टिकर बंडल जो कि गाइस आपको पता होगा गाइस ये भी एक बार अपने मैजिक क्यूब के अंदर अवेलेबल हुआ करता था, ठीक है, लेकिन भाई वापस से अब आपको नेक्स्ट मैजिक क्यूब स्टूडियो जो अपडेट होने वाला है उसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। हालांकि गाइस इस वाले मेल बंडल का जो भाई फीमेल बंडल है, ठीक है भाई, वो मिसिंग है, लेकिन भाई स्टिल गाइस आपको इसके साथ में इसका जो फीमेल बंडल है गाइस वो भी आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रीट ठग बंडल का गाइस फीमेल बंडल जो कि गाइस इसका कोई ऑफिशियली सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी गाइस मैं इसे इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता होगा एक बार गाइस अपना जो इलेक्ट्रिक शॉक बंडल है इसका फीमेल बंडल अपने मैजिक क्यूब के अंदर ऐड हुआ था। फुल लेदर बंडल जो कि गाइस अपना एक ओल्ड मैजिक क्यूब का बंडल है गाइस, स्टिल आपके पास मेरे ख्याल से होगा, बहुत कम लोगों के पास हालांकि, लेकिन वापस से गाइस अपने मैजिक क्यूब के अंदर इसे ऐड किया जाने वाला है। कीबोर्ड गाइस वॉरियर बंडल जो कि भाई बाहर के कुछ सर्वर के अंदर इसे FF टोकन के अंदर दिया गया है, तो भाई कुछ सर्वर के अंदर गाइस इसे बड़ी मार्ट के अंदर दिया गया है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर हमें मैजिक क्यूब के अंदर देखने को मिलेगा। ये वाला बंडल गाइस अपन सभी को ऑलरेडी फ्री में क्लेम करने को मिल चुका है, लेकिन भाई वापस से अपने को मैजिक क्यूब के अंदर क्लेम करने को मिल जाएगा। और फिर गाइस यहां पे आता है एक ब्लू वाला बंडल जो कि आप लोग देखो, हालांकि गाइस इसे आप लोगों ने बहुत ही कम बार देखा होगा, ठीक है, क्योंकि इसका इवेंट हमारे इंडिया के अंदर बहुत ही कम बार आया है। नाइट क्लाउन जोकर बंडल जो कि गाइस एक बहुत ही अच्छा खासा रेयर, ठीक है भाई, ओल्ड मैजिक क्यूब का बंडल है, ये भी वापस से आ सकता है, हालांकि इसका कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी गाइस आप लोगों को उम्मीद रखो कि आ जाए, क्योंकि भाई बहुत टाइम से पेंडिंग में पड़ा है। हंगर स्ट्राइक बंडल जो कि भाई एक बहुत ही खतरनाक और गाइस ओल्ड मैजिक क्यूब का बंडल है, लेकिन इसे भाई पहन के खेलने में कुछ मजा नहीं आता, क्योंकि भाई भारी भरकम लगता है, लेकिन वापस से मैजिक क्यूब के अंदर ये ऐड होगा। इस बार के गाइस OB45 अपडेट के बाद बाहर के काफी सारे सर्वर के अंदर गाइस मैजिक क्यूब के अंदर भाई गन स्किन भी क्लेम करने को दी जा रही है, क्योंकि कोई कुछ थीम वाली गन स्किन है तो कुछ अच्छी खासी गन स्किन भी है, लाइक गाइस SVD गन स्किन, ठीक है भाई, यहां पे भाई मैक्टन की गन स्किन, G36 की गन स्किन बैठी के भाई आपको बहुत ही अच्छे खासे भाई यहाँ पे जो गन स्किन वगैरह है देखने को मिल जाती है, कुछ भाई ग्रोजा की गन स्किन है। अब गाइस यहाँ तक तो भाई बात ठीक थी, ठीक है, लेकिन गाइस इसके अंदर भाई ACP गन स्किन को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, जिसके लिए भाई बहुत सारे लोग हजारों डायमंड खर्च करने के लिए तैयार है, जैसे कि जो टाइटन स्कार का इनक्यूबेटर, ठीक है भाई, इसकी भी गन स्किन यहाँ पे भाई इसके अंदर, ठीक है, एड करी गई है। और सबसे खतरनाक बात भाई बनी MP40 जिसके लिए भाई लोगों ने हजारों डायमंड उड़ाए थे वो यहाँ पे भाई मैजिक क्यूब के अंदर दिया गया है। स्टिल गाइस अपने मैजिक क्यूब के अंदर गाइस कुछ इस तरह के रिवॉर्ड्स वगैरह ऐड होने वाले हैं, लेकिन भाई गन स्किन के थोड़े बहुत चांस है, ठीक है, बाकी तो भाई गन स्किन वगैरह ऐड होगी तो भाई काफी अच्छा रहेगा। इस बार के गाइस OB45 अपडेट के तरह गाइस नेक्स्ट मैजिक क्यूब स्टिल गाइस अपडेट अपना OB46 अपडेट के अंदर होने वाला है। बाकी तब तक के लिए गाइस नेक्स्ट इवो वर्ल्ड इवेंट के अंदर कौन सी इवो गन रहेगी आपको जानना है, लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो। नेक्स्ट मिस्ट्री शिप इवेंट कन्फर्म हो गया है, पूरा रिव्यू देखना है और जानना है इसके डेट तो राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो।